हाय गाइस, गुड इवनिंग। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि उस बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस होना कितना इम्पोर्टेंट है? इसका मतलब कि उसका वेबसाइट होना या फिर सोशल मीडिया पे उसका पेजेस होना कितना इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले समय में। और अभी भी अगर आप मेट्रोज में रहते हैं, तो मे बी आप छोटे शहर में रहते हो तो इसका वैल्यू आपको अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़े दिन बाद, 2-4 साल बाद का, फिर सब जगह अफेक्टेड हो जाएगा। तो वेबसाइट होना और सोशल मीडिया पेज होना उस बिज़नेस का तो बहुत जरूरी है, चाहे किसी सॉर्ट का बिज़नेस हो, चाहे आपका एक दुकान हो, ठीक है, जिस पर आप सेल करते हो, तो उसका ई कॉमर्स साइट बना लीजिए, चाहे होटल हो, होटल का होटल बुकिंग ऑनलाइन कर लीजिए, चाहे बस ट्रैवल एजेंसी हो, ठीक है, हॉस्पिटल आपका हो, या फिर कुछ भी हो, यानी एक्स वाई जेड कुछ भी आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, सब कुछ चाह रहा है ईज एंड कंफर्ट से काम हो। लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत जो जरूरी चीज़ होता है ऑनलाइन प्रेजेंस में, वेबसाइट में कंफर्टेबली, सबसे बड़ा चीज़ होता है पेमेंट। यानी अगर आपके कस्टमर्स आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, यानी डेबिट कार्ड का यूज़ करके, एटीएम कार्ड से कहते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, या फिर नेट बैंकिंग का यूज़ करके, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है पेमेंट गेटवे से आपके वेबसाइट को या फिर जो पेजेस हैं आपके सोशल मीडिया के, फेसबुक के, उसको अटैच करना पड़ता है, ठीक है। जी हाँ, फिर सरप्राइज का तो ये बहुत सरप्राइज हो रहा है बहुत सारे लोग कि फेसबुक पगला ये बोल रहा है फेसबुक पेज को अटैच करने के लिए पेमेंट गेटवे से। तो दिस इज नो मोर ए बिग थिंग, अब बहुत ईजी हो गया है, ठीक। मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा सब चीज़। तो WhatsApp पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप सीधे सीधे प्रोडक्ट का फोटो भेज दीजिए ग्रुप में या फिर किसी को दे दीजिए, और पेमेंट लिंक वहाँ पर आएगा, बस क्लिक करेंगे लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर देंगे, या फिर नेट बैंकिंग से, किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग से, कोई भी बैंक अकाउंट हो, ठीक है, पे करके आपके अकाउंट में जो है पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। एक ज़माना था जब वेबसाइट या फिर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने के लिए लोगों को कोडिंग या प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन आज के डेट में जबकि ऐसे ऐसे CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वेबसाइट बनाने के लिए डेवलप कर दिए गए हैं, वो भी मोस्टली ओपन सोर्स, कि आप उसका यूज़ करके किसी तरह के भी वेबसाइट बना सकते हैं। किसी तरह मतलब किसी तरह ऑलमोस्ट, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर ई कॉमर्स वेबसाइट, या फिर मान लीजिए आप होटल बुकिंग, सिनेमा हॉल का टिकट बुकिंग, बस का टिकट बुकिंग, या फिर डॉक्टर अपॉइंटमेंट, या फिर आप ले लीजिए ट्रस्ट टेंपल का कोई डोनेशन का वेबसाइट बनाना चाहती हैं, या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का ये बनाना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उस पर पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया फेसबुक की तरह कोई वेबसाइट छोटा मोटा अपने कंपनी का या सोसाइटी का बनाना चाहते हैं, किसी तरह का ऑलमोस्ट वेबसाइट जो है आप बिना किसी प्रोग्रामिंग के आप बना सकते हैं। इतने सारे ऐप जो है वेब एप्लीकेशन डेवलप कर दिए गए हैं डेवलपर द्वारा वेबसाइट बनाने के लिए, ये सब देखिए वही सब है ये सब। हाँ, मानते हैं कि कुछ ऐसे वेबसाइट बिल्कुल जो कस्टमाइज बिल्कुल अलग हट के कॉन्सेप्ट से हो, मे बी उसके लिए मानते हैं कि कुछ 5% ऐसे वेबसाइट होंगे, जो कॉन्सेप्ट होंगे जिसके लिए आपको कोडिंग अभी भी जरूरत पड़ जाएगा बनाने के लिए यूज़ करके। साथ ही साथ उसी तरह से पेमेंट गेटवे का भी हिसाब किताब है। अब आपको ज़रूरत ही नहीं है कि चिंता करने की, अगर आपने CMS का यूज़ करके, खास करके अगर इन सभी का यूज़ करके अगर आपने बनाया है वेब एप्लीकेशन का यूज़ करके, पॉपुलर जो है यूज़ करके अगर बनाया है अपना वेबसाइट, तो ज़रूरत ही नहीं है आपको कोडिंग बिल्कुल वरी होने के लिए पेमेंट गेटवे कनेक्ट करने के लिए। बस बच्चा भी कर सकता है, तो बच्चा भी है ना। तो मैं आपको यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि क्या, हाँ, जब मानते हैं कि अगर आपका कोडिंग करके बनाया है वेबसाइट, तो उसमें आपको थोड़ा सा जो है वो ज़रूरत पड़ जाएगा पेमेंट गेटवे की कनेक्ट करते समय प्रोग्रामिंग का, लेकिन बाकी सब में नहीं। तो चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हम पेमेंट गेटवे से। ये जो देख रहे हैं आप, ये लीडिंग पेमेंट गेटवेज हैं, CCAvenue सबसे पॉपुलर इंडिया का पेमेंट गेटवे है, ठीक है। आप ये देखिए, ऑलमोस्ट ये भी फ्री सेटअप, जीरो सेटअप प्लान इसके पास भी है ना। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि देखिए, जीरो सेटअप प्लान है दिखा रहा है ये, ठीक है, 1 आवर में एक्टिवेट हो जाएगा, आप मेल कीजिए। लेकिन इसमें एक चीज़ होता है ना, जो कि ये लेता है AMC, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो होता है ना, वो लेता है फ्री वाले प्लान में भी, ठीक है। बस यही इसका डिमेरिट है। और थोड़ा इसमें क्या है कि
जो, क्योंकि बैंक्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, सभी बैंक, सभी डेबिट कार्ड, सभी तरह के ऑप्शंस इसमें सबसे ज़्यादा है। आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन इससे बढ़िया हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं जिसमें कि कोई मेंटेनेंस चार्ज भी, ये भी देने की जरूरत है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल, है ना। इतने कॉम्पिटिशन हो गया कि बाकी सब, जैसे ये भी पॉपुलर है, बढ़िया है, EBS, ठीक है, ये भी फ्री है सब कुछ, है ना। AMC, ये बिल्डर्स भी काफ़ी पॉपुलर है, इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा फेवरेट जो है ये है इंस्टामोजो, ठीक है। मैं इसे 3 साल से लगभग यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट सारे पॉपुलर बैंक्स हैं जिससे कि पेमेंट रिसीव किया जा सकता है। और मैं आपको जो डेमो बताना चाह रहा हूँ, इसी को लेकर आप डेमो बताऊँगा, ठीक है। प्रोसेस सबका सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है, ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसमें देखिए एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है ना, वो देखिए ये भी 2% प्लस 3 ले रहा है, ठीक है, नेट बैंकिंग पे 2% 3, ठीक है, वॉलेट्स पे इतना लेगा पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से। और पेमेंट जो है ये लोग करते हैं, मतलब आपको वीकली बेसिस पे, ये तो 3 दिन पे कर देता है, हर एक 3 दिन पे आपको पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे जो भी आपने परचेस किया अपने पास रखेगा, फिर अपना कार्ड के हिसाब किताब आपको मिल जाएगा। नो सेटअप फी, नो मेंटेनेंस चार्ज, नो मिनिमम कमिटमेंट, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब आपको हम थोड़ा बता दें कि पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है। सबसे पहला कंडीशन कि आपका वेबसाइट जो है रेडी होना चाहिए, चाहे वर्डप्रेस पे हो, चाहे कोई भी CMS हो, ठीक है, मैगेंटो कॉमर्स या फिर पेरिस्टा शॉप या फिर एनी एनी जो भी आपको यूज़ किया, जूमला, फॉर्मला, एनी थिंग, किसी में भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अपना एक पेरिस्टा शॉप का वेबसाइट जो है, जो कि मेरे क्लाइंट का था, मैंने बहुत पहले बनाया था, ये लाइव वेबसाइट है एक्चुअली, अपना बिजनेस करते हैं बहुत दिन से, इस पर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड था, मैं डेमो के लिए अभी हटा दिया हूँ और फिर से इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये साइट मैंने बनाया था बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले, जब वेब डिजाइनिंग करता था, तो ये मेरे मोस्ट वैल्यूएबल क्लाइंट में से एक हैं। तो अब देखिए प्रोसीजर सबके लिए सेम है, चाहे आप CC रेवेन्यू करें, चाहे आप बिल्डर्स करें, या फिर आप इंस्टामोजो करें। मैं डेमो के लिए, क्योंकि मुझे यही मिला हुआ है, उनको यही मिला हुआ है, इसलिए इसी का एक्सेस है मुझे, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप साइनअप पर क्लिक कीजिए, प्रोसीजर सबके सेम है। साइनअप पर क्लिक करेंगे तो वो पूछेंगे, आप ईमेल एड्रेस डालिए यहाँ पे और पासवर्ड एक चूज़ कीजिए और साइनअप कर लीजिए। साइनअप करने के बाद आपसे पैन नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई करा जाएगा मोबाइल नंबर पूछ के। उसके बाद फिर अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो टिन नंबर भी मांगा जाएगा, छोटा मोटा नया स्टार्ट कर रहे हैं तो टिन नंबर ज़रूरी नहीं होगी, लेकिन पैन नंबर तो मैंडेटरी है। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स, जहाँ पेमेंट आपको रिसीव करना है, पूरा डिटेल, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब। और उसके अलावा 3 महीने का स्टेटमेंट मांगेगा ये देखने के लिए आपका, ठीक है, कि आपका स्टेटमेंट मतलब प्रिंट आउट पूछेगा। तो आप नेट बैंकिंग से या फिर कैसे भी आप अपने पासबुक का जेरोक्स इनको है स्कैन करके भेज सकते हैं। तो अटैच करने के बाद, इसे भेजने के बाद आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट कर देगा ये, और एक्टिवेट करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा जिसमें कि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक किट दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक किट बेसिकली क्या होता है, अब ये तो मेरा एक्टिवेटेड है सब कुछ, अब ये लाइव है, मैं दिखा रहा हूँ, ये तो पेमेंट सब कलेक्टेड है, देख रहे हैं आप, देख सकते हैं। अब वो लोग आपके साइट को वेरीफाई करेंगे और देखेंगे ठीक ठाक है कि नहीं। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा अगर, तो आपको एक कंफर्मेशन मेल भेज देंगे इस तरह का कि भाई आप जो है, आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आप रेडी कर कीजिए अपना सब कुछ। एक सबसे पहले क्या देंगे आपको, एक इस तरह का डॉक्यूमेंट देंगे, इंटीग्रेटिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें सब कुछ लिखा रहेगा कैसे कैसे करना है, प्रोसीजर वगैरह। तो डोंट वरी, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अगर आपने मतलब CMS का यूज़ करके, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से बनाया है तो वेबसाइट, अगर आपने कोडिंग करके बनाया तब इसकी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि एक ये है, क्या कहते हैं, प्लगइन है वो, आप पेमेंट गेटवे का बस डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये डाउनलोड करके मैंने यहाँ रख लिया है ऑलरेडी, ये देखिए ये प्लगइन है, इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है, और कुछ नहीं, सिंपल प्रोसेस। आप जाइए यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में, उस पेमेंट गेटवे के लॉगिन कर लीजिए, देखिए लॉगिन है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 चीज़ें दिखाई दे रहेंगी, एक प्राइवेट API की, ये कभी शेयर नहीं करना होता किसी के साथ, नहीं तो दूसरे को पेमेंट फ्रॉड कर लेगा कोई भी। ये प्राइवेट टोकन और प्राइवेट सॉल्ट, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपको दी जाएंगी, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। उसके बाद फिर आपको करना क्या होगा, अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप के लिए भी इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, देखिए। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, अपने वेबसाइट के बैकएंड में चले जाइए, ठीक है, और वो जगह ढूंढिए जहाँ पे कि प्लगइन्स या फिर मॉडल्स या फिर एडोंस को अपलोड करना होता है पेमेंट गेटवे का। यहाँ पे ये ऑप्शन है हमारा, सेलेक्ट करके हम ब्राउज करेंगे और उसे अपलोड करेंगे, ये देखिए, और इसे हम अपलोड दिस मॉडल करेंगे, ये मॉडल अपलोड हो रहा है, ठीक है,
ये अपलोड हो गया सक्सेसफुली। आप देखिए, हम फिर से जाएंगे यहाँ पे और उसे कॉन्फ़िगर कर लेंगे, जो मुझे सॉल्ट और ये सब आईडी वगैरह जो दिया था उसमें उसे कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अब यहाँ पेमेंट गेटवेज में हम चले जाते हैं, ठीक है। पेमेंट गेटवेज में आप देख लीजिए, हाँ, इंस्टामो जो पेमेंट गेटवे है यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। इंस्टॉल, प्रोसीड विथ इंस्टॉलेशन, और एक बार इंस्टॉल होने के बाद कॉन्फ़िगर करेंगे उसे हम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको कि जैसे पी यूजिंग इंस्टामोजो की जगह पे यूजिंग ये डाल दीजिए, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है। ओके, ये दिखेगा वहाँ पे लोगों को। अब हम यहाँ से ये सब क्रेडेंशियल जो है, आईडी, पासवर्ड जो है, टोकन वगैरह पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी मैं यहाँ पे पेस्ट किया था, उसका ये पड़ा हुआ है। और ये टेस्ट मोड अवेलेबल है, टेस्ट मोड डिसेबल कर दीजिए तब एक्टिव हो जाएगा, और सेव कर दीजिए, ठीक है। तो ये अब सेव हो रहा है, कॉन्फ़िगर हो गया, सेविंग सेव हो गया, और बस आपका जो साइट है रेडी हो गया पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। चलिए हम कुछ सामान खरीद लेते हैं अब, ठीक है। ये बतख खरीद लेते हैं हम 700 रुपये का, ठीक है। कंटिन्यू टू चेकआउट, ठीक है। ओके, ये सब गलत नंबर है है ना। और देखिए, पे विथ इंस्टा मुझे पेमेंट गेटवे यूजिंग पे, कंफर्म ऑर्डर। अब क्या होगा, ये चला जाएगा पेमेंट गेटवे बैंक के साइट पे, यानी आपको डेबिट कार्ड से पे करना है, क्रेडिट कार्ड से, या फिर नेट बैंकिंग से, ये पूछेगा यहाँ पे अब। और आप सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए इंटरनेट बैंकिंग हमको पे करना है, SBI पे करना है, ठीक है। चेकआउट फ्रॉम SBI, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कर देगा, रिडायरेक्ट कर लेगा आपके बैंक पे। अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे अपने बैंक में, अपना पेमेंट डालेंगे, और वापस जो है पेमेंट मेरे साइट पे आ जाएगा। ओके, ठीक है। किसी तरह की वेबसाइट, वर्डप्रेस या फिर जो भी वेबसाइट, उस पर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप देखिए, सोशल मीडिया पे अगर फेसबुक, ट्विटर, या फिर यूट्यूब वगैरह, व्हाट्सअप, कहीं पे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आप एक कंप्यूटर रिपेयर करते हैं शहर डोर टू डोर जाकर, ठीक है, सर्विस देते हैं 100 रुपये में, ठीक है। तो आप एक बैनर बना लीजिए वैसा, और जिस पर लिखा हुआ ये सब चीज़, उसके बाद फिर यहाँ पे अपने पेमेंट गेटवे के अंदर जाइए। फिजिकल प्रोडक्ट है तो फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल है तो डिजिटल, यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। इवेंट टिकट है तो इवेंट टिकट, कुछ बुकिंग वगैरह करना चाहते हैं डॉक्टर का या फिर थिएटर का, वो सब सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे। अदर्स में है, मान लीजिए हम सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो PC रिपेयर ICE, ठीक है, 100 रुपये का, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दीजिए कि ठीक है, पे हियर, ठीक है, क्लिक एंड पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप फोटो अपलोड कर दीजिए, ठीक है, जो बैनर आप चाहते हैं वहाँ दिखे, वो बैनर यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। जैसे मैंने जो बनाया है बैनर अभी, ये एक, वो अपलोड कर दीजिए। बस, और उसके बाद एडवांस में जाके देख ली, यहाँ पे कर दीजिए कि मतलब थैंक यू वगैरह कोई का पेज जो है, कि थैंक यू, आप 2 दिन में या फिर कल हम आके सर्विस देंगे आपको, ठीक है। और ऐड प्रोडक्ट स्टोर पे क्लिक कर दीजिए, बस आपका लिंक जो है जनरेट हो गया, ठीक है। ये दिखेगा और लोग वहाँ पे क्लिक कर देंगे अब, ठीक है ना। अब बस करना क्या है आपको कि इसे यहाँ शेयर पे क्लिक करना है, ये एक्टिव हो गया लिंक है, ठीक है। शेयर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, पिंटरेस्ट पे, हाँ फेसबुक पे मुझे शेयर करना है, ठीक है। चलिए आप देखिए, तो ये अब शेयर करने लगा, इसे डायरेक्टली शेयर कर दिया पोस्ट टू फेसबुक, नॉट धर्मेंद्र कुमार, शेयर इन ए पेज यू मैनेज, ठीक है। पेज पे करना, आप चाहें तो अपने उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बीजर हेरिटेज पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और सी समथिंग, या कुछ भी लिख दो, क्लिक हियर टू पे, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। और यहाँ पे हम पोस्ट कर दे रहे हैं, पोस्ट टू फेसबुक, अब ये हो जाएगा पोस्ट। अब चलिए हम चलते हैं अपने साइट पे, बिदर हेरिटेज पे, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट हो गया होगा, और देखिए अब जो भी लोग देखेंगे अपने न्यूज़ फीड में, उसे उनको दिखेगा, और वहाँ पे वो पे करेंगे, सेम वैसे ही पेमेंट हो जाएगा। दिखाता हूँ आपको मैं अभी, हाँ ये देखिए ऐसा दिखेगा, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे लोग, ठीक है, क्लिक करेंगे जैसे ही, ये पेमेंट गेटवे
ऐसा आ जाएगा ओके, और पे नाउ 100 रुपीज़ पे करना है, अपना नाम डालेंगे वो लोग, ठीक है, ईमेल आईडी डालेंगे, और फ़ोन नंबर डालेंगे, गलत नंबर ही है, कॉल मत करने लगेगा इस पर, ठीक है, और नेक्स्ट कर दीजिए। अरे यार ये क्या है, ठीक है, और पे कर दीजिए, ठीक है, तो ये पेमेंट गेटवे पे लेकर चला जाएगा आपको, इनवैलिड फ़ोन नंबर। चलो ये भी, हाँ चल, किसी का ना किसी का तो होगा ही। अब ये जो है, अब बोल रहा है डेबिट कार्ड से कैसे पे करोगे, डेबिट कार्ड से या फिर पेमेंट गेटवे से, बैंक से, इंटरनेट बैंकिंग से, जो से पे करना है आप उसे, कार्ड नंबर डालिए एंड सीवी और चेकआउट कर दिए, बस पेमेंट आपको मिल जाएगा और आप सर्विस दे सकते हैं। वैसे ही व्हाट्सअप के लिए भी है सेम, सो व्हाट्सअप पे आप चाहें तो व्हाट्सअप पे यहाँ पर क्लिक किए तो व्हाट्सअप पे चला जाएगा, ठीक है। SMS के थ्रू करना चाहते हैं SMS कर सकते हैं, फिर कॉपी लिंक कर सकते हैं, लिंक करके आप भेज दीजिए किस कैसे भी, ठीक है। तो यही उपाय है भाई, बहुत अच्छा है, मस्त है, आप यूज़ कर सकते हैं अगर क्रिएटिविटी है तो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।